तभी तो समझ जाएगा। अरे कौन समझाएगा, मैं समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा भाई, जी उन्हें भी बोलोगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। आइए सुनिए, देखिए हम लोग करना क्या है। बच्चा कहता है इस तरह फॉर्मेट नहीं लर्न हो रहा, पहले सेंडर एड्रेस, फिर रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सब करना क्या था, लर्न ही नहीं होता। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, कभी जीवन नहीं बोलोगे। आइए समझते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस है। देखिए फॉर्मल लेटर में पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को अपना लेटर को लिखना होता है। अब बात की जाए इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर में उसका जो फॉर्मेट होता है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने फ्रेंड्स को देते हैं, अपने रिलेशंस को देते हैं, पर फॉर्मल लेटर हम देते हैं किसी प्रोफेशनल को, किसी सीनियर को। चलिए अब हम समझते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, कि बच्चा कहता है कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट नहीं लर्न होता हमसे। आइए देखते हैं, अगर आप क्लास 9th या क्लास 10th में है तो आपने ये सब लेटर्स तो जरूर करे होंगे। देखिए कौन से टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स यू डू इन क्लास 9th एंड क्लास 10th। देखिए लेटर नंबर 1, लेटर टू एडिटर आपने किया है, एक लेटर ऑफ कंप्लेंट आपने किया है, सेज लेटर किया है, रिकवरी लेटर आपने किया है, लेटर टू गवर्नमेंट आपने किया है, और किसी ऑफिशियल बंदे को देना हो, ऑफिशियल पर्सन को देना हो, किसी फेमस पर्सनैलिटी को देना हो, तब ये आपने किया है, और एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जो फॉर्मल फॉर्मल कैटेगरी फॉर्मल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब देखिए इसके इसका एक फॉर्मेट होता है जो हम लोग समझेंगे। फॉर्मल लेटर का जितने भी फॉर्मेट है, जितने फॉर्मल लेटर्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जितने पाइप में लिखे हैं ये सब आप कर चुके हैं, और भी कराए जाएंगे आगे चल के आपको। अभी तो इतने आपके लिए मेन है, इतने आप कर चुके हो, तो जितने भी ये लेटर्स हैं इन सब का फॉर्मेट सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जितने भी आगे पढ़ेंगे वो सारे सारे फॉर्मल लेटर्स हैं और उन सब का फॉर्मेट सेम ही होगा। आइए अब समझते हैं इसका फॉर्मेट कैसे लर्न करें। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, कि कौन लेटर को सेंड कर रहा है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट, कि क्या डेट है, कौन सी डेट को सेंड भेजा गया। उसके बाद लिखते हैं डेसिग्नेशन, कि हम लोग किसे भेज रहे हैं, जैसे कि द एडिटर, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और डेसिग्नेशन रिसीवर्स एड्रेस दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, कि किसे भेजा जा रहा है, कौन किसे भेजा जा रहा है, उसका एड्रेस क्या है। दोनों चीजें, किसे भेजा जा रहा है और कौन है, उसका क्या एड्रेस है। हम लोग उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करनी है। उस सब्जेक्ट आपका लिखा जाता है सिर्फ 2 to 5 words में। उसके बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, मतलब कि क्या, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। हम लोग देखते हैं कि इसे लर्न कैसे करें। देखिए अब आती है मेन बात, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए एस डी डी आर एस एस, मैंने क्या बोला, इसको एक पल के लिए भूल जाइए, क्या लिखा सब भूल जाइए, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जैसा मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं वैसा आपको भी प्रोनाउंस करना है। कैसे, एस डी डी आर एस एस, क्या प्रोनाउंस करना है बच्चों, एस डी डी आर एस एस। अब देखिए एस सब्जेक्ट, याद आ गया एस सब्जेक्ट होता है, डी डेट होती है, डी आर डेसिग्नेशन प्लस रिसीवर्स एड्रेस, डेसिग्नेशन प्लस रिसीवर्स एड्रेस, एस सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। कितना इजीली आपको याद हो गया, कभी आप जियो नहीं भूलोगे कि आपने किया, आपका फॉर्मेट है क्या है। जस्ट रिपीट, एस सब्जेक्ट, डी डेट, डी आर डेसिग्नेशन प्लस रिसीवर्स एड्रेस, एस एस सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, एस डी डी आर एस एस। इट्स सो इजी, सोचो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बचती है तो आप मुझे कमेंट करें, आपकी कंफ्यूजन आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे मेरे वीडियोस मिलते रहें और आपको फायदा उठाते रहें। बाय।